अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से, ठीक ठाक, मजे में? भाई देखिए, मैं व्लॉग किस टाइम पे स्टार्ट कर रहा हूँ, 12:03 हो रहे हैं, तारीख है 9 अक्टूबर 2023, आपके भाई का ऑफिशियली बर्थडे अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, व्लॉग हम कर चुके थे एक दिन पहले, एडवांस में बना लिया था, और अभी आपको मैं बताता चलूं कि भाई सबसे पहला विश तो मेरी बेगम ने मुझे कर दिया है। ठीक है, दूसरा मुझे अभी कॉल आती है, बल्कि अभी कॉल नहीं है, शाम से कॉल आई हुई थी वॉक ऑन फायर वालों की। ये देखें, अभी वो उनकी दुकान के पास में पहुंच गया, उन्होंने बोला मुस्तफा भाई 12 बजे करीब आइएगा, एक जरूरी काम है। मुझे लगता है कि शायद ये मुझे बर्थडे पे सरप्राइज देना चाह रहे हैं या विश करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे पहले से ही शक हो गया। आ जाएंगे, मतलब पूरा दिन दिखाएंगे कि कौन कौन मुझे विश करता है, किस किस तरीके से विश करता है, कितने केक रिसीव होते हैं, कितने गिफ्ट रिसीव होते हैं, सब दिखाएंगे। आ जाए, क्या बोला था मैंने आप लोगों को, बोला था ना कि ये लोग सरप्राइज देने वाले हैं। ये देखें, ये हमारे भाइयों की मोहब्बत है यार, ये देखें केक लेके आए हुए हैं। आए हाय हाय हाय, हैप्पी बर्थडे मुस्तफा भाई। थैंक यू भाईजान, आप लोगों ने याद रखा, ये मोहब्बत होती है यार, ये इन लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की मोहब्बत है यार। चले, और कौन सा ये केक, कौन सा है? थ्री मिल्क है भाई, आपके भाई का फेवरेट केक है यार, चेक कर। और छुरा देख रहे हैं आप लोग, ओए ओए, इससे तो जो है ना हम गाय काट देते हैं। क्या क्या जिस जगह का ला रहा था ना वो जगह बंद हो गई। अच्छा, खैर है यार, खैर है, आप लोगों ने इतना टाइम निकाल लिया। आप खाते ना, आप बोलते हो आखिर में। अच्छा चीज खिलाई? अच्छा, चले जबरदस्त, चले वो हम आपकी बर्थडे में, वो आपकी बर्थडे में खा लेंगे हम लोग। ठीक है, इंशाल्लाह चलेंगे। चले भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये देखिए, बेहतरीन हो गया सर जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा, जब आप लोगों ने शाम को मुझे बोला ना कि काम है आ जाइएगा, मैंने बोला यार ये काम है, सामने बैठे हुए मेरे अभी मुझे काम नहीं बता रहे, बोल रहे रात को आइएगा। अच्छा, मैं खुद क्योंकि दिमाग से जो ना आजकल फारिग चल रहा हूँ, मुझे उसको ख्याल नहीं आया। अभी मैं अपनी बेगम के साथ बैठा हूँ, मेरे यार वॉक ऑन वालों ने बुलाया है मुझे, बोली बर्थडे के लिए बुलाया, मैंने बोला अरे यार इसीलिए बुलाया। हाँ जी, बेगम ने पकड़ लिया, ये आगे वाले इतना बड़ा नहीं वाला। एक केक की कुर्बानी हमने कर दी है, और अब मुझे दुकान से कॉल आती है कि मुस्तफा भाई रात का 1:15 बज गया है और हम जो है ना दुकान बंद करने लगे हैं, लेकिन आपके लिए जो है ना कुछ पार्सल आए हैं, कुछ तोहफा आया है, कुछ सेटअप आया है, तो आके ले जाएं। तो चलते हैं भाई आपको दुकान पे लेके और देखते हैं कि क्या आया है। और आप लोगों का भी बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों ने भी इतने सारे कॉमेंट्स किए हैं बर्थडे विश के लिए। दुकान का शटर बंद करके ये लोग अंदर बैठे हुए हैं, और ये देखे हमारे दो जवान गार्ड खड़े हुए हैं, और यहाँ पे फरहान भाई भी बैठे हुए हैं। ये भाई हम नीचे से आ गए हैं छुपके से दुकान के अंदर। और फरहान भाई आप कैसे? ठीक है, खैरियत से? कुछ आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है आपका? हाँ, क्योंकि जो है ना हम केक लेके आए हैं। ये देखे भाई, वॉक ऑन फायर पे जो हमने केक खाया ना, वो कुछ हिस्सा हम लेके आए हैं। ये देखे भाई, उठाए उठाए भाईजान उठाए। ओए होए, इतना बड़ा डब्बा खुल रहा है भाई, चेक करते हैं इसके अंदर कैसा केक आया है। ओहो, क्या लिखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे मुस्तफा हनीफ। ये केक भिजवाया है हमारे इमरान भाई बुराक वाले जो हैं, उन्होंने भिजवाया। वैसे एक मरतबा हम उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी सोचा कि यार जो डेट है, ऑफिशियल जो तारीख है, उस पर भिजवाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू सो मच। और ये एक पार्सल आया है, और इस बैग के ऊपर भी लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। इसको जरा खोलते हैं भाई, यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, ये क्या है भाईजान, ये पकड़िएगा जरा फरहान भाई, जरा एक मिनट। ये जो है ना, ओ वाओ, ये भाई इसकी पैकिंग है कुछ इस तरीके से, ये देखें बड़ा अच्छे से इसको सजाया हुआ है, और ये जो है ना कार्ड लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टू मुस्तफा हनीफ भाई, व्लॉग में जरूर ले लीजिएगा। वाह भाई, ले लिया हमने, कराची फैमिली। भाई इसकी पैकिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कैप्स हैं। अच्छा जी, तो इसके अंदर से क्या निकली है भाई, कैप्स निकली है। ये एक कैप है, ये दूसरी कैप है, और ये इसके अंदर है भाई टी शर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, दुकान बंद हो गई है, और ये देखेंगे गाड़ी के बोनट पे रख के जो है ना बिल्कुल रन एंड गन सिचुएशन में यहाँ पे केक खा रहे हैं। हाँ भाई, कैसा है केक, सही ओके की रिपोर्ट था? चले बेहतरीन हो गया, बेहतरीन जी। फरहान भाई कैसा है? आप बेहतरीन है, सीधे चौथी चम्मच जा रही है अभी। भाई रात के इस वक्त 2 बज चुके हैं, ठीक है, मैं घर पे आ चुका हूँ, और बेगम से पूछते हैं कि हमारी बर्थडे पे वो क्या स्पेशल कुछ कर भी रही है या नहीं कर रही। जी बेगम बताएं, क्या बात कर रही है, मतलब कुछ बनाएंगी घर पे फुल एहतमाम दावत? ओए होए, मतलब कुछ कोई पुरानी आइटम डिश बनाएंगी या कुछ नया ट्राई करने जा रही है? कुछ नया ट्राई, कुछ नया। ओहो भाई, जब बेगम कहती है ना कि मैं कुछ नया बनाने जा रही हूँ, तो आपका भाई जो है ना बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि बेगम जो है ना माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त कुकिंग करती है। तो अब जो है ना थोड़ा सा आराम करते हैं, और कल सुबह इस व्लॉग को जो है ना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है,
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। गुड मॉर्निंग भाई, इस वक्त जो है ना 11:30 बज रहे हैं सुबह के। आपका भाई भी तैयार हो गया है, मोहम्मद अहमद भी तैयार हो गया है। इसको मैंने जाना है डेंटिस्ट के पास लेके, ठीक है। और इतनी देर में जो है ना बेगम किचन के अंदर जो है ना कुछ VIP सेटअप तैयार कर रही है। आपको नहीं जाना डॉक्टर के पास? अच्छा, चलो बेटा। नहीं जाना डॉक्टर के पास? कहाँ जाना है आपको ये बताओ? झूला खाने जाना है? अच्छा अच्छा, झूला मैंने मंगवाया है आपके लिए। कौन आ रही है? अम्मा। आपको अम्मा के साथ जाना है या अप्पा के साथ जाना है? अम्मा के साथ जाना है। अप्पा के साथ चलोगे? चलोगे, चलो चलो चलो। लो भाई, यहाँ पे करीब में डेंटिस्ट मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे तो जो है ना गाड़ी खड़ी करने की कहीं जगह ही नहीं है भाई। पार्किंग वाले ने बोला कि YouTube पे देखा है आपको, आ जाओ गाड़ी की जगह बनवाता हूँ और लगवा दी गाड़ी इसने, हम चलते हैं। भाई वहां अंदर गए तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अभी तो आप अपना नंबर लिखवाएं, इसके बाद हम आपको कॉल करके बताएंगे, फिर आप आइएगा। मैंने बोला बहुत बहुत मेहरबानी भाई, हम कहीं और ही चले जाते हैं। आमिर की दुकान यहाँ सामने। आमिर ने बोला कि भाई यहाँ सामने एक डेंटिस्ट है, उसके पास चले जाओ, वो अच्छा है। मोहम्मद अहमद अंदर चले। चले भाई, ये दो दरवाजा खोल दिया हमने। मोहम्मद अहमद चले चले, चलो आ जाओ, चलो चलो बाहर निकलो। माशाल्लाह, दरूद शरीफ भी पढ़ता है मोहम्मद अहमद। पढ़ो पढ़ो। हाँ माशाल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली घर पे। मम्मा ने क्या बनाया है? VIP सेटअप। अब्दुल कभी आप स्कूल से आ गए? जी पापा, आ गया। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू थैंक यू। आज ना हैप्पी बर्थडे। जी 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 जी। केक काटेंगे? केक काटेंगे। हाँ। अच्छा, अरे पापा हैप्पी बर्थडे। बस चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। चॉकलेट चॉकलेट दूं, बिस्किट दूं, जूस दूं, जूस दूं, बस ओके जूस देता हूँ, चुप हो जा। भैया स्कूटी चला रहे थे तो इसके पाँव पे लग गई। अब्दुल कबीर, नेक्स्ट टाइम आप केयरफुल रहोगे ना? हाँ, छोटे भाई को लगनी नहीं चाहिए, ठीक है? बुरी बात होती है, बच्चा रो रहा था, सही है ना? ओके, प्यार कर लिया इसने, सॉरी भी बोल दिया, ठीक है? हो जाती, खेल खेल में हो जाता है। इस वक्त दोपहर के 2:45 बज चुके हैं, भूख से बुरा हाल हो गया है। बेगम क्या सीन है, कितनी देर में तैयार होने वाला है? होने वाला है भाई। मीन वाले काम करते हैं, आपको अपना व्हाट्सएप चेक कराते हैं और देखते हैं कि कल रात से अब तक मुझे किस किसने विश किया है बर्थडे, ठीक है? भाई ये देखें, बेगम ने तो जो है ना मुझे लाइव कर दिया था विश, ठीक है? इसके अब वॉक ऑन फायर वाले भाई हैं, उन्होंने भी कर दिया था। इमरान भाई बुराक वाले, इन्होंने भी कर दिया। अयाज भाई हमारे स्कूल के ग्रुप का पार्ट है, जो कि फार्म हाउस पे भी साथ थे, जिनको हम बॉस बॉस बोल रहे थे, जिन्होंने VIP खाना बनाया था वहां पे, तो इन्होंने भी विश कर दिया। इसके अलावा हमारे समी भाई ने भी विश कर दिया मुझे। उमरा ग्रुप बना हुआ है हमारा फैमिली का, एक्चुअली इसमें सारे फैमिली मेंबर्स ऐड हैं, तो फैमिली ने भी सबने विश कर दिया, मेरी बहनों ने विश कर दिया मुझे, ठीक है? इसके अलावा आमिर ने और बासित ने मुझे विश नहीं किया, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनके ऊपर जो है ना हम कोई पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है? और इसके अलावा ये है हमारे फराग एहसन खान भाई। ये कौन है? ये कंपनी में मैं काम किया करता था, उसमें मेरे बॉस थे, और ऐसे बॉस थे जो कि रियल बॉस होते हैं, जो अपनी टीम को सिखाते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इनको जो है ना आज तक आपके भाई का बर्थडे याद है, और इनसे मैंने जो है ना बहुत कुछ सीखा है, तो इन्होंने भी मुझे विश किया। आज जो बेगम ने कहा था कि कोई नया आइटम ट्राई करने जा रही है, उसका नाम है क्या? कोरियन चिकन। कोरियन चिकन, ठीक है? और ये चेक करें भाई, ओए होए होए, अभी जो है ना इसके ऊपर तिल जो है वो डाल दिए, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन हो गया भाई। दिखने में तो जो है ना बेगम 100 out of 100 है, ठीक है? अब चख के बताएंगे हम भाई। मेन्यू में सिर्फ कोरियन चिकन नहीं है, और भी चीजें, थोड़ा सा रुके हैं, अभी सारी चीजें आ रही हैं। बाय द वे, इस कोरियन चिकन की रेसिपी किसको चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा कमेंट होंगे तो BTS चैनल के ऊपर जो है ना इसका एक अलग से व्लॉग बनाएंगे, ठीक है? आपको क्या खाना है? अच्छा, केक खाना है। केक भी आ रहा है भाई, माशाल्लाह 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 भाई, बिरयानी चेक करें माशाल्लाह। अच्छा जी, अब सारी चीजें आ गई हैं भाई। देखें, कस्टर्ड है जो कि आपके भाई का ऑल टाइम फेवरेट है, ठीक है, बचपन से। और ये कोरियन चिकन है आज के मेन्यू में, यहाँ पे चिकन बिरयानी है, ये इमरान भाई वाला केक आ गया, ये बहन लेके आई थी केक। अब सारा सेटअप आ गया, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना ये कोरियन चिकन ट्राई करते हैं, ठीक है? इंतजार नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउट क्लास, नेक्स्ट लेवल, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया। और ये आ गई है भाई हमारी चिकन बिरयानी, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई घर की चिकन बिरयानी का तो मैंने अक्सर ही आप लोगों को रिव्यू दिया है, अप टू द मार्क ही होती है। कोरियन चिकन जो है ना आज के समय में आप बिल्कुल जो है ना टॉप ऑफ द लाइन आइटम थी। अब जो है ना हम जरा घर वालों के साथ जो है अपने सीन एंजॉय करते हैं। होपफुली आज का ये ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये ऐसा वाहिद ब्लॉग है जो आज ही बनाया मैंने, और अभी मैं अगले 5 से 10 मिनट में इसको अपलोड करने जा रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
एंड आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों के प्यार का और आप लोगों के विशेष का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।